problem you will like them. Subscribe for more writing skills. नजदीक कर रहा हूँ राजा साहब, ये जहन में रखना है, आप इंक फैले भी ना हो, जैसा नीट क्लीन है, ऐसा नीट रहनी चाहिए आपकी राइटिंग। आगे अपने इंग शुरू करनी है, इंग्लिश शुरू करनी है तो इसी तरह की हालत में शुरू करनी है। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, अलनूर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल शहीदामार रोड मंडी बहुद्दीन में। माशाल्लाह ये बच्चे इंग्लिश के ऊपर पहुंच गए हैं, पेन के ऊपर पहुंच गए हैं, बड़ी शानदार राइटिंग करते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो आप लोग भी कोशिश कर दें, उर्दू इंग्लिश हैंड राइटिंग अगर आप लोगों ने सीखनी है तो फौरी तौर पर कोई राइटिंग की अकेडमी ज्वाइन करें, या जिन स्कूल्स के अंदर हैंड राइटिंग क्लासेज होते हैं वो क्लासेज लाजमी लें। ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आपने हैंड राइटिंग करनी होती है आप लोगों ने। तो कर्सिव राइटिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, कर्सिव राइटिंग गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनके अंदर कर्सिव राइटिंग ही चलती है। नेल्सन राइटिंग जो है वो सिंगल सिंगल लफ्ज जो है वो कहते हैं कि कॉलेज लेवल में जाके कहते हैं कि छोटी क्लास के बच्चे ये राइटिंग करते हैं, और वैसे भी उसके अंदर इतनी स्पीड नहीं लिखी जा सकती। तो इस राइटिंग के अंदर स्पीड भी बनती है आपकी और मेच्योर राइटिंग लगती है ये, ठीक है। कोशिश करें कि मेरी तमाम वीडियोज़ जो हैं उनको देखा करें और उसमें एक एक लफ्ज़ जो है ना उसको पहले बनाने की कोशिश करें। जब तक आपके लफ्ज़ जो हैं वो लेटर, बड़े लेटर, छोटे लेटर जो हैं वो उनकी बनावट सही नहीं होगी, उस वक्त तक आप स्पीड में नहीं लिख सकेंगे। नेक्स्ट कॉपी दें मैं बेटा। ये आपने लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा हजूम बना दिया है, जहन में रखा करें लफ्ज़ों का इतना हजूम नहीं बनाना। तमाम बच्चे माशाल्लाह कुछ पेन के ऊपर हैं, कुछ रुके तजी पे हैं, ये सात किस्म के अल्फाज होते हैं। उनके बाद फिर बच्चा पेन के ऊपर आ जाता है, सात किस्म के अल्फाज के बाद पेन के बाद फिर ये आखिरी लफ्ज़, ये जली तली वाली ये लफ्ज़ लिखे हुए हैं बच्चे ने, ये देखिए ये सात किस्म के अल्फाज का आखिरी लफ्ज़ है ये। इसके बाद आज इनका तकरीबन शेर शुरू हो जाएगा, ये देखें भी आप फोकस करें इन लफ्ज़ों में, पूरा रुफे तजी आपने ज़ुबानी लिखनी है। इसके बाद आपकी शेयर शुरू हो जाएगी। क्या नाम है आपका? बेटा बैठ दे, लाइट छोड़ दे। एक पैराग्राफ में एक पेज के ऊपर आप ये फोल्डिंग वाला लफ्ज़ गलत नहीं होता, आप ये एक पेज के ऊपर तीन या चार दफ़ा फोल्डिंग वाला लफ्ज़ बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग नहीं करनी। ये जितना आम नून होता है इससे दो गुना ज़्यादा बड़ी होती है, और ये दोनों साइडों के दरमियान में ही आना होता है आपने, ठीक है। और एक स्टेप बिल्कुल खाली छोड़ना होता है। हमारी उर्दू की राइटिंग टोटल चार लाइनों का मजमू है। बारह मैं बच्चों को बता चुका हूँ कि छोटी लाइन क्लास के जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को पिक नहीं कर सकते, उनको इमेजिन करना मुश्किल होता है कि ये हमारी उर्दू की राइटिंग के अंदर कितनी लाइनें हैं टोटल। तो बड़ी क्लास के बच्चे जो हैं इनके जहन में आ सकती है बात। पहला एम का पहला सिरा जो है ये छोटा होता है, दूसरा बड़ा, तीसरा उससे बड़ा। आपने पहले ही बड़ा कर दिया है, पहला छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा। इसी तरह एन का पहला सिरा छोटा होता है, दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा होता है।
और ये लफ्ज़ जिस एंगल में मेरे बांध रहे हैं उसी एंगल के अंदर इसको लेके आए। अभी आपके इसमें 90 हैं, 95 आपने इसमें करना है तो आगे आपका काम जाएगा। ये बहुत अच्छा लिखा है, देखें जी बच्चे की माशाल्लाह राइटिंग बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड। ये लफ्ज़ रिपीट नहीं करना, डबल नहीं करना, इंक नहीं फैली होनी चाहिए और कोई लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के ऊपर ना चढ़ा हुआ, लफ्ज़ों का जमघट्टा नहीं नज़र आना चाहिए। इंप्रेशन ठीक है, लुक ठीक है इसकी, दोनों साइडों में मार्जिन लाइन जो लगाई है ये अच्छी नहीं लगाई, मार्जिन लाइन आपने ज़्यादा अच्छी लगानी है दोनों साइडों में। स्पेस ठीक है लेकिन इसकी चौड़ाई मार्कर की जो है ना वो इंग्लिश वाली साइड पर ला कर फिर मार्कर की लाइन लगाएं। इसमें आपके 95 है, ठीक है जी। आगे काम आपको कितने शेर हो गए, टोटल 8 हो गए। ये नौवा शेर आपका शुरू होने लगा, लाइनें भी आपने टेढ़ी लगाई हैं। अब आपकी अबूर जो है आपको महारत लाइनों के ऊपर सही हो जाना चाहिए। अब तक ऊपर एक दफ़ा लिफे भी लिखनी है आपने और नज़दीक करेंगे। मेरे तमाम स्टूडेंट जहाँ जहाँ ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि उसके ऊपर अपने कमेंट्स करें और बताएं कि हम लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। ये लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फ़ायदा दूसरी सूरत में होना जब आपने तमाम वीडियोस देखनी है, तमाम काम देखने हैं। कितने बच्चे रह गए काम चेक कराने वाले? मैं रहता हूँ। 3 खबर करो। लाइए आगे कहाँ पे काम है आपका? अली बेबे जी। कितने मार्क्स आए हैं आपके? भाई मीम का सार अंदर से भरा हुआ होना है, खाली नहीं होना। वाव का सार भी अंदर से खाली नहीं होना, भरा हुआ होना है। फे और काव का सार भी अंदर से खाली नहीं होना, भरा हुआ होना है। जीम का मुंह आपस में साथ जोड़ना नहीं है, जीम की हाइट ऊपर से शुरू करनी है, यहाँ से सीन भी शीन भी ऊपर से शुरू करनी है, स्वाद भी टेढ़े बना दिए। कितना गंदा लिखा है यार, आज आपने 40 के ऊपर आ गए यहाँ, 40 में मैं समझ रहा 30 के ऊपर है। बेहतर होनी चाहिए, पीछे की तरफ जाना है आपने, कोशिश नहीं आप बिल्कुल बेकार है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अपने जहन में रखें कि जब तक आपके रुफ़त है जी ठीक नहीं होनी, आगे लफ्ज़ ठीक नहीं होने, ये सबूत के तौर पर बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, सारे रुफ़त है जी करके फिर आगे पहुँचे हुए हैं। ये समझ आ रही है बात की? इनसे पूछो ना इन्होंने सारे अल्फाज किए हैं कोई नहीं किए, रुफ़त है जी किए कोई नहीं किए, बताए भाई बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है कि पता नहीं इतना मुश्किल है जी, किस तरह हम 7 लफ्ज़ करेंगे, किस तरह शेरों पर जाएंगे। आपने कौन सा स्टडी छोड़ देनी है, आगे बहुत आगे तक आपने पढ़ना है आप लोगों ने, तो कोशिश करें अपने रुफ़त अजी को फोकस करें सही तरह, ठीक है? वाह वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, ये बच्चा बहुत कमाल पे जा रहा है भाई। आपका 98 कितने शेर हो गए? साथ साथ लिखा करो, बहुत प्यारा लिखा है आपने। ये रखता लफ्ज़ जो आपने ना इसमें जमघट्टा बना दिया, बाकी सारे लफ्ज़ कमाल है। ये थोड़ी सी कोशिश करके ना लफ्ज़ क्लियर किया करो, ठीक है? इसमें 99 है आपके, वेरी गुड। शुरू के बाद आपके पैराग्राफ शुरू होने हैं, ठीक है? कितने में आ गए?
इंसान की शख्सियत बनती है खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ। ज़िंदगी में एक ही दफ़ा राइटिंग सीखनी होती है, कोशिश यह करें कि खूबसूरत लिखा करें। हमारी की तरह भैया चाहते हैं।